हेलो एवरीवन, सीटेट का रिवाइज आंसर की को लेकर जितने भी आपकी खबरें चल रही हैं यूट्यूब चैनल पे, तो बात करें आपका रिवाइज आंसर की का, तो पहली बात तो रिवाइज आंसर की आपका इतने कम समय में आना मुश्किल है। और आना मुश्किल क्या, आपका रिवाइज आंसर की आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैंने जो है पिछली बार भी नहीं देखा था, उसकी पिछली बार भी नहीं देखा था। तो रिवाइज आंसर की तो आएगा ही नहीं। फिलहाल इसमें आपका क्या होगा, आपने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया होगा, ठीक है ना, जिस भी क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया होगा, उस क्वेश्चन में अगर आयोग को लगता है कि हाँ ये ऑब्जेक्शन सही है और इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन में जो गलती है वो हमारी है, या फिर जो भी चीजें हैं वो मैच नहीं करती हैं अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी से, तो फिर क्या करता है आयोग की अगर गलती होती है तो वहां पे आपके नंबर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप जो है बात करते हैं कि किसी किसी के किसी किसी क्वेश्चन का जो है आंसर दो दो हो जाता है, या तो एक दो हो जाएगा, एक दो, या फिर एक तीन हो जाएगा, ऐसे करके आपके किसी क्वेश्चन के दो दो आंसर बन जाते हैं। तो अगर आपने पहला नहीं चुना है, दूसरा चुना है, जैसे कि मैं एग्जांपल में अभी बताऊंगी, फिलहाल अभी पहले देखते हैं कि आपका रिवाइज आंसर की का क्या है। देखिए रिवाइज आंसर की आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, रिवाइज आंसर की नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और सिर्फ अब रिजल्ट का उम्मीद कीजिए कि 17 से लेके आपका 20 तक बीच में आपका रिजल्ट आ जाए, ताकि आप यूपीएससी TRE 3 के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें बोनस इसमें कितना होगा, देखिए बोनस इसमें अगर जैसे कि होता है, अगर पहली बार पेपर देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको बहुत सारे अफवाहों से जो है निकलना पड़ता है कि आपका अगर 5 नंबर से कम है तो भी आप निकल जाओगे, 6 नंबर कम है तो भी निकल जाएगा, इतने नंबर बढ़ जाते हैं, इतने नंबर घट जाते हैं। तो प्लीज इन अफवाहों से दूर रहो कि आपके इतने नंबर प्लस हो जाएंगे, इतने नंबर घट जाएंगे, ये सब चीजें नहीं होती हैं। हाँ, प्लस माइनस का बात आता है आपका मुश्किल से 1 से 3 क्वेश्चन का, ठीक है ना, मुश्किल से 1 से 3 क्वेश्चन का, ठीक है। इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी उम्मीद ना कीजिए कि आपके प्लस या माइनस हो जा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर बोनस की बात करें, देखिए बोनस कैसे होता है, आपने किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया और ऑब्जेक्शन में अगर आयोग की गलती निकलती है और आप सही होते हैं, तो वहां पे कोई भी स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाए, कोई भी एक व्यक्ति लगाए, लेकिन उसमें बोनस सबको मिलता है, ठीक है। उस प्रश्न के आंसर के जो भी आप लगाए हो, अगर क्वेश्चन ही गलत है और ऑप्शन आपका दूसरा है, तो आपने कोई भी आंसर लगाया हो चारों में से, आपको बोनस जरूर मिलता है, आपका नंबर प्लस हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये प्रश्न में जब गलती होती है तब ऐसा होता है, या फिर ऑप्शन में गलती हो जाती है तब ऐसा होता है कि आपका बोनस बढ़ता है, ठीक है ना, तब प्लस में होता है, तब सभी बच्चों को बराबर मिलता है। अब बराबर कहाँ पे नहीं मिलता है ये बात भी हम करेंगे। देखिए क्या होता है कि आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपका, जैसे कि आपका ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी, ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं किसी भी प्रश्न के, ठीक है। कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसमें एक आंसर जो है, एक आंसर की जगह दूसरा आंसर भी सही होता है, दो दो आंसर सही होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ए भी सही है, बी भी सही है और 3 भी सही है, और इसमें स्टूडेंट तीनों में कंफ्यूज है, या तो वो ये लगा देगा, या तो ये लगाएगा, या तो ये लगाएगा। अगर वो स्टूडेंट तीनों में से किसी भी एक को मार्क करता है तो उसे नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वहीं पे दूसरा कोई स्टूडेंट है और इन तीनों पे ना लगाकर इस पे लगा दिया, तो उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो यहाँ पे बोनस आपका तभी मिलेगा जब आपका एक क्वेश्चन का 2 आंसर सही हो, ठीक है, तब यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने ए को टिक किया है तो उसे नंबर मिलेगा, बी को टिक किया है तो उसे नंबर मिलेगा,
ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के जो आंसर हैं दोनों में ही आपके मिल रहे हैं, तो ऐसे आपका बोनस होता है। बात करते हैं यहाँ पे, तो बोनस में आपका इस ऐसे ही नंबर बढ़ता है, मुश्किल से आपका 1 से 3 नंबर बढ़ता है। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है नंबर के, पासिंग के बॉर्डर लाइन पे है, जैसे कि अगर आप जनरल में हैं तो 90 आपका नहीं है बल्कि आपका 89 है, ठीक है ना, 89 है, या फिर आप मान के चलिए 88 है, तो यहाँ पे आपका संभावना होता है, अगर बोनस मार्क आपका बढ़ेगा तो यहाँ पे आप मान के चलिए आपका 90 हो सकता है, ठीक है ना, ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करूं मैं तो जो ओबीसी एससी एसटी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर 82 से आप नीचे हैं, जैसे कि आपका 81 हो गया और 80 हो गया, तो इनके बीच में अगर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं बोनस मार्क्स का, क्योंकि 1 तो नंबर तो आप बढ़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन आपने लगाया है और ऑब्जेक्शन आपका सही साबित होता है तो यहाँ पे आपका मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आंसर की आपका आया था, इसे मिलाना था, ऑब्जेक्शन देना था आपको, ठीक है। आपका जो रिवाइज आंसर की है, रिवाइज आंसर की नहीं आएगा, सीधा आपको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट में ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट में प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, ठीक है। इस बात पे अगर ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो 90 से आप अगर जो स्टूडेंट पास हो गया प्लस है, 82 से प्लस है, तो वो निश्चिंत हो जाए, ठीक है। माइनस होने की कोई बात गुंजाइश ही नहीं है, माइनस वैसे फिलहाल बहुत कम चांस होता है कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चन हो, जो आंसर हो या नंबर आपके जो भी माइनस हो, देखिए आंसर की जब आता है आपका तो उसमें बोनस ही जो है प्लस होने की बात आ जाती है, माइनस होने की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि आयोग जो आंसर की देता है बहुत ही अच्छे से फाइनली आंसर देता है वो, ताकि आप अपना क्वेश्चन को जो है आंसर को मिला सके। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि आयोग ने जो आंसर की दिया वो गलती से दे दिया फिर उठा के वो माइनस कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो है माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस ही होगा। अगर प्लस होना होगा तो 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आंसर आपके जो मार्क्स है वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या जितने भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया है वो आपके सही हैं या नहीं है, आयोग के द्वारा उसका क्या निर्णय लिया गया है, इस बात पे हम तो रिजल्ट में ही बात कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उम्मीद करके चलिए 1 से 2 क्वेश्चन, 3 भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देखा होगा तो पेपर में इतना ज्यादा जो है गलतियां नहीं थी बल्कि ठीक ही था पेपर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप निश्चिंत होइए, 89 है तो, या फिर आप 81 पे हैं तो 80 से लेके 81 है, या फिर 89 से लेके आप क्या है इसमें 88 से लेके 89 तक अगर हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और आपका रिजल्ट आता है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा आपका रिजल्ट कब आएगा, तो ये रिजल्ट के बारे में बात करें, देखिए फिलहाल तो बहुत सारे न्यूज खबरों में आ चुका है कि आपका 17 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कंफर्म में, अगर हम कंफर्म भी तो नहीं कह सकते, तो मान के चलिए 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और आ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 से 20 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और आपने जो भी आप मैसेज या फिर ईमेल या जो भी आप कॉल वगैरह कर रहे हैं आयोग को, तो आप करते रहिए, ठीक है ना, उससे आपको बेनिफिट होगा और आपका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो ये 17 फरवरी से, मान ये भी हो सकता है 17 फरवरी को ही आ जाए रिजल्ट, ठीक है, शाम तक 17 फरवरी को ही आ जाए, या फिर 17-18 को आए, तो आप मान के चलिए 20 से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर क्या होना चाहिए जनरल और एससी एसटी के लिए और फिर आपका ओबीसी के लिए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो पासिंग मार्क्स होता है
मान के चले अगर जनरल है तो जनरल के लिए तो सबको पता है कि 80 जो है 90 आपका जनरल के लिए होता है, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अगर ये जनरल वाले अदर स्टेट में कहीं पे भी जाते हैं तो इनके पास 90 है, तो ये तो फिर इनको चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे फिर आपका मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती हो, या फिर आपके किसी भी स्टेट का हो। तो आप अगर 90 में हैं जनरल वाले, तो जनरल वाले निश्चिंत अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार में, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें ओबीसी की और SC ST की, देखिए अगर आप किसी अदर स्टेट में, मान लीजिए आप सोच रहे हैं BPSC TRE 3 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बात करनी होगी, आप मान लीजिए आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही आप पास हुए हैं, 82 पे ही पास हुए हैं, तो आप BPSC TRE 3 के लिए क्या आप एलिजिबल हैं? तो इसमें आपकी सबसे बड़ी चिंतित यही बात आ जाती है। देखिए TRE 1 से लेके TRE 2 में भी वही चीजें बार बार रिपीट होती आ रही है। बिल्कुल भी विशेष तरीके से मेंशन नहीं किया जाता है कि अदर स्टेट की वुमेन के लिए ये आरक्षण है, या फिर जो है बिहार के लिए सिर्फ लड़कियों के लिए, तो वहां पे ये चीज नहीं, सिर्फ जनरल वुमेन्स लिख दिया जाता है। तो इसमें अदर स्टेट की जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं। पिछली बार भी यही हुआ था और TRE 1 में भी यही हुआ था। देखिए इस बार भी इन्होंने यही हरकत की है, तो इस बार भी यही हरकत की है। इन्होंने क्या किया है, फिर अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है विशेष करके, बस कर दिया इन्होंने क्या, जनरल महिलाओं के लिए 55%। अब देखिए इसमें बहुत सारे जो है महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि वो फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। देखिए मेरी बात मानिएगा, आपको अगर आप 90 नहीं है, कोई भी स्टेट अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपके 19 है तो प्लीज आप अप्लाई कर दीजिए निश्चिंत होकर। लेकिन अगर आप 90 से आप 89 है या फिर 88 है, तो आप प्लीज मत करिएगा, या तो फिर आपको कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन देना होगा। इसके बारे में आपको वहां पे आप जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, ठीक है, पूरा सबूत के साथ, तब जाके हो सकता है आप फॉर्म अप्लाई कर सके। बहुत सारी चीजें हैं आपकी जिसमें आप देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका 90 मार्क्स नहीं था, अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी, तो उनके सारे रिजल्ट भी आ गए, हर चीज हो गया, नियुक्ति पत्र उनका रोक दिया गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। सोचिए कितनी दुख की बात होगी उस टाइम पे उन कैंडिडेट्स की, जिनको जिन्होंने इतनी मेहनत करके वहां तक अपना जो है मुकाम हासिल किया, फिर हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो उस स्थिति से प्लीज आप ना गुजरे, इसलिए पहले ही आप इस चीज को क्लियर कर ले कि आप अगर 90+ हैं, प्लीज 90 है तो पक्का आप फिल कर दीजिए, 90 से कम है तो प्लीज सोच समझ के ही फॉर्म डालिएगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 90, चाहे वो अदर स्टेट का कोई भी मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट, दोनों ही आप 90+ 90 रखिएगा, ठीक है ना। तब तो यहाँ पे आप अगर यूपी से हैं तो आप अगर 82 हैं तो आप पास हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे आप एससी या ST हो। अगर आप यूपी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, या फिर आप जो है बिहार में ही अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर यूपी के कैंडिडेट हैं, तो अपने अपने स्टेट में तो सभी आरक्षण में होते हैं। तो 82 अगर आपका है तो आप अपने स्टेट में जब शिक्षक भर्ती आती है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, पर किसी अदर स्टेट में नहीं कर सकते। आप अदर स्टेट में जनरल में फाइट करते हैं जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आप आरक्षण की बात नहीं कर सकते किसी अदर स्टेट में जाके। तो ये चीज इन्होंने गलती की है। तो मैं बताऊं, अगर BPSC TRE 3 के लिए तो आप तभी फॉर्म डालिएगा जब आपका जो रिजल्ट है, जो मार्क्स है 90 हो, ठीक है ना, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, 90 है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको वहां पर जाकर भुगतना ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे।
तो जनरल के लिए आपका, अब मान अब मैं बताऊं, अगर अपनी स्टेट के लिए, यूपी के लिए, तो जनरल के लिए आपका 90 अगर है तो आप पास हैं, और ओबीसी और एससी के लिए अगर 82 है तो आप पास है, ठीक है ना। हालांकि इसमें एससी के लिए आप 75% होता है, तो यहाँ पे आप एससी एसटी का कम होता है, तो ये चीजें आपकी हैं तो आप पास हैं, आप निश्चिंत हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने नंबर को बढ़ाइए ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, ताकि आप अदर स्टेट में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सके, किसी भी स्टेट में आप जो है किसी भी शिक्षक भर्ती में, किसी भी स्टेट में अगर शिक्षक भर्ती आती है तो वहां पे आप रह ना जाए। इसलिए अपने नंबर को बढ़ाइए, 90+ कीजिए, और फिर आप अपना ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्टेट के लिए तो ठीक है, पर अदर स्टेट के लिए आपको नंबर ये प्लस करने होंगे 90, तो 90 आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, रिवाइज आंसर की आपकी नहीं आएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट आपका फाइनल आएगा कि कितना दिन बचा ही है आपका, आज 12 तारीख है और 12 तारीख का आपका 5 दिन है, तो 5 दिन में रिवाइज आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो आपका टाइम बहुत जाएगा। इसमें आपका सीधे फाइनल आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट में ही आपका पता चल जाएगा सारा का सारा कि आपका क्या हो जाएगा, क्या नाम है, कितना नंबर बढ़ा है और कितना नंबर आपका घटा है। घटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बढ़ता ही है आपका, तो 1 से 2 क्वेश्चन नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी जिनका आंसर की मिलाने में ही कम रह गया है नंबर, पास नहीं हुए हैं, या मतलब कि 85 रह गया है जनरल वालों का, या फिर 82 से कम रह गया है, 80 रह गया है, तो अगर आप बीपीएससी तैयारी 3 के लिए या फिर तैयारी कर रहे थे, पेपर दे रहे थे, उसमें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तो तैयार रहिए। तो अपने नंबर को, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अपने नंबर को प्लीज 90+ कीजिए, ठीक है ना। तो अगली बार यही कीजिएगा, इतना कोशिश कीजिएगा कि 90 आए, आप जनरल के बराबर नंबर लाएं, ठीक है ना, आरक्षण के हिसाब से ना लाएं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मैं सही देती हूँ, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े, और कोई डाउट हो तो प्लीज आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट जो है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, क्लास हमारी स्टार्ट है बीपीएससी TRE 3 के लिए, आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। सारी क्लासेस मैं चला रही हूँ, आपकी जीएस की क्लास शुरू हो गई है, हिंदी की क्लास और इंग्लिश की क्लास भी शुरू है आपकी। इसके अलावा आपकी करंट अफेयर डेली होती है, आप प्लीज करंट अफेयर को ज्वाइन कीजिए। अगर आपने करंट अफेयर यहाँ से कर लिया, तो आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, आपके 99% करंट अफेयर यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी TRE 2 में करंट अफेयर बहुत मामूली सा पूछा था, तो इतना तो मैंने करवा दिया है, और इतना अभी बहुत सारे करंट अफेयर के प्रैक्टिस हैं जो आपको करने हैं, तो इतने में अगर 700 क्वेश्चन है, 700 आप अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो है करंट अफेयर कोई क्वेश्चन रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्लास को ज्वाइन कीजिए। सुबह 8 बजे आपकी क्लास आती है, 8 बजे क्लास ये चलती है करंट अफेयर की। इसके अलावा हिंदी की क्लास आपकी 1 PM पे चलती है, दोपहर में 1 PM पे, हिंदी इंग्लिश दोनों की बराबर जो है मर्ज में चलती है साथ में, ठीक है ना। तो ये दोनों साथ में चलती हैं, और आपका जो है साइंस की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। देखिए, साइंस में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर दिया है, अब SST की चलेगी, और इसमें SST में आपका बायोलॉजी भी उसमें मर्ज रहेगा, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी, तो सारी चीजें उसमें होंगी, जीएस के सारे क्वेश्चन होंगे, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस का, ठीक है। तो साइंस का आपका क्लास हो चुका है, तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, ये 12 12 बजे आपको PM पे मिलता है, तो सारी की सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट है। SST से महत्वपूर्ण हिस्ट्री के टॉपिक्स मैं लेकर आती हूँ, जिसमें आपका TRE 3 को ध्यान में रखते हुए रखा है, तो ये चीजें आपकी वहीं से उठाया जाता है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो सारी क्लासेस को देखिए, और देखने के बाद उसके बाद बताइएगा कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी क्या करेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस आती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आती हूँ आप तक पहुंचे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा।
अपने किसी भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और क्या नाम है, आप अपने स्टोरी पर लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को शेयर करके सभी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।